जैसे हम सुबह घर से आते हैं तो ब्रेकफास्ट हमारा यहीं पे मिलता है, जैसा कि कभी नूडल्स हो गए, कभी छोले भटूरे। सर हैप्पी बर्थडे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर और मैम भी आ गए। पिज्जा आ चुके हैं और सबसे पहले कौन बैठा है यहाँ, इधर दिखा देता हूँ। नंदिनी, नंदिनी कितने खाओगी? काम कर रही हूँ बैठ के। मतलब विष्णु जी की कृपा पूरी है। मॉर्निंग मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो गए। तो गाइस मेरा ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, सॉरी, क्योंकि मैं बिजी था अपने काम में, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम रहता है, इसलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस में मिलवाता हूँ सबसे। वैसे तो मैंने सबसे मिलवाया हुआ है, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से मैं आज आपका ऑफिस दिखाऊंगा, और हो सकेगा तो मैम से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा, और फिर मैम का भी बताऊंगा कि मैम की जर्नी क्या है, या मैम ने कैसे स्टार्ट किया है, वो यहाँ से कैसे पहुँची हैं, और कितने हज़ारों घर, मेरी जो मैम हैं वो कितने हज़ारों घर चला रही हैं, और आज वो कहाँ पहुँची हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, मतलब जो मोटिवेशन जर्नी है, वो आप सबको अगर मैं एक बार बता दूँ ना, तो शायद आप भी सोचोगे कि यार कितना स्ट्रगल किया है मैम ने, और आज वो जहाँ है उनका डिज़र्व बनता है भाई यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग आगे नहीं पहुँचते, 100% वही लोग आगे पहुँचते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का साथ देते हैं या दूसरों के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है हाँ कि मुझे अपनी मैम की जर्नी अपने व्लॉग में बतानी चाहिए। अब जो भी इंटरेस्टेड है कि मैम की आप जर्नी सुनाओ, उनसे इंट्रोड्यूस कराओ हमें, तो वो मैं कराने के लिए रेडी हो जाऊंगा, लेकिन मैम की आज्ञा के बिना नहीं। पहले मैम से हम पूछेंगे कि मैम हम करें या नहीं करें। मैम के लिए कमेंट करना कि हाँ आप अपनी मैम की स्टोरी बताओ, तो मैं बताऊंगा। तो गाइस फाइनली पहुंच गया मैं अपने ऑफिस। एक गेट वहां पर है और एक गेट यहां पर है। यहां पर गार्ड अंकल बैठते हैं और यहां पर करनी पड़ती है हमें पंचिंग। देन उसके बाद यहां पर हमारा सिटिंग एरिया है, यहां पर मेरा लैपटॉप, कॉफ़ी, और यहां पर एडिटिंग होती है, बड़े बड़े मैक है यहां पर। तो फाइनली मैं आ गया अपने ऑफिस में, ये है मेरा ऑफिस। अब यहां पर मैं मिलवाता हूं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से। कर देता हूं, मिलो। क्या हेलो राघव और हर्षित। हर्षित, राघव आता है हापुड़ से और हर्षित कहाँ? नोएडा। नोएडा से स्मार्ट लग रहे हो भाई, शर्म आ रही है। बस में आ जाए नूडल्स। छोले भटूरे कब आ रहे हैं यार भैया? शाम को आएंगे। शाम को आएंगे आज का पुनीत सर का तो। ओ पुनीत सर का बर्थडे है गाइस आज, तो स्पेशली आज कुछ अच्छा आएगा खाने के लिए। मैं वेट करूँगा अपने खाने। मॉर्निंग में मिलते हैं हमारे यहाँ पर नूडल्स, ये आ गए सबके लिए। ये है किचन, शशांक भाई है किचन में। मनीष भैया जल्दी आओ, तुम्हें ब्लॉग में लूँ। आज क्या खास बना रहे हो आप हमारे लिए? आपके चाउमीन बनाई है आज। चाउमीन बनाई है? ये कैसे टेढ़ा हो गया? कमज़ोर हो गया वो। कमज़ोर कैसे हो गया, तो उठा भी नहीं रहा, देखो उठा भी नहीं पा रहा है। आपने कॉफ़ी नहीं बनाई आज मेरे लिए? आज आपने बोला ही नहीं। अब बना दो तो चलो इसी बात पे। मनीष भैया हमारा बहुत ख्याल रखते हैं गाइस, ये देखो गर्म पानी भी करके देंगे वो हमारे लिए, और गुस्सा आ जाता है तो ये भगा भी देते हैं हमें बहुत दूर। बस गुस्से में बात नहीं करनी इनसे, ठीक है? तो ये मिल गई मेरी कॉफ़ी, ये मनीष भैया ने ही बनाई है, थैंक यू भैया। घर पे भी आप ही ने बनाई थी ना। ये हमारा कैफेटेरिया है, यहाँ पर हम सब लोग लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो भैया। हेलो, हाउ आर यू सर? सॉरी सर, गुड गुड गुड। जैसे हम सुबह घर से आते हैं तो ब्रेकफास्ट हमारा यहीं पे मिलता है, जैसा कि कभी नूडल्स हो गए, कभी छोले भटूरे हो गए, नाश्ते में कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी, कभी आलू के पराठे हो गए, कभी कुछ हो गए, कभी गोभी के पराठे हो गए, पेटीज हो गई, पोहे हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमें नाश्ते में। पोहे, पोहा, वो क्या कह रहे हो आप, इधर बताओ, ब्लॉग में बताओ बोल के। पोही नहीं होता, पोहा होता है सर, पोहा। जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने बोल दिया इसमें। पोहा क्या होता है? पोहा। तो गाइस पोहा हो गया। अब मनीष भैया तो कुछ बनाते नहीं है, तो काम चोर है। नहीं यार ये सबसे अच्छे हैं गाइस। मीट आदि, हेलो आदि, हो गया। ये हमारा ऑफिस। मनीष भैया क्या कैमरे लगवा दिए? नहीं यार, टीवी लगवा दिए।
टीवी तो नहीं है, कैमरे हैं ये। ये देखो हमारा ऑफिस, अभी लोग आए नहीं है। राघव फेस दिखा, अच्छा लग रहा है, समझदार लग रहा है यार चश्मा लगा के। चल झूठा, क्यूट ज्यादा लग रहा है राघव, आवाज नहीं निकल रही। एक ही ने देखो, ये पूरे सुबह सुबह पूजा करते पूरे ऑफिस में। ये बहुत ज्ञानी धानी है। लड्डू खाना भैया एक, ये तो मैंने उसे खिलाए थे अंकल को। कौन से लड्डू है दिखाओ गाइस। ये देखो ये सबके साथ प्रैंक कर रही है, मोमबत्ती मोमबत्ती है ये, और ये सबको खिला रहे हैं। मीट पूजा, मीट पूजा। और टेढ़ी हो जाओ। हो गया, देखो ये मेरे लिए लड्डू लाइए दो, अब मैं खाता हूँ गाइस लड्डू। वाह, अरे मोमबत्ती है तो, ये मैंने पहले ही देख लिया था। हाँ मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करता है इसको लेके ना। अच्छा खा के दिखाओ, किसने करा? मुझे लगा था ये लड्डू है। सच में ना ऐसा लग रहा है। घर गई मैंने, कैंडल्स पढ़ा नहीं, और मैंने इसे बोला वाह यार इतने यार बड़े गंदे से लग रहे हैं, और मैंने ये भी नहीं देखा, और मैं ऐसे कर रही हूं, ये तो टूटी नहीं ध्यान दिया। अच्छा और आज है पुनीत सर का बर्थडे तो केक कटेगा। अब देखो सब लोग जा रहे हैं। चलो भाई पूजा, आज सबसे ज़्यादा केक खाओगे आप? हाँ व्लॉग जा रहा है सर। हैप्पी बर्थडे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दे दिया गुरुजी, खुश रहो खुश रहो। देखो देखो देखो, ये सबसे ज्यादा केक खाएगी नंदिनी। मैं केक नहीं खाऊंगी, आई एम ऑन डाइट। रुको जरा सबर करो। ये है पुनीत सर का केक। यस। और यहाँ पर हमारी एचआर टीम के प्रिय सर हैं, और हर्ष रश्मि मैम, सब लोग आ गए हैं। कितना कलरफुल प्यारा लग रहा है केक, है ना? बहुत सुंदर। सर और मैम भी आ गए। प्लीज कम गाइस, सब लोग सब आ गए। हम केक नहीं खाने वाले। सर हैं यहीं पर सामने। सर देखो क्या बोल रहे हैं कि सर जो है वो कलरफुल है। हर टाइप की चीजों में ढलते हैं तो ढलवाते हैं। इसका हिंदी में नहीं समझ। सतरंगी सतरंगी रंगी, मैम ने बता दिया, मैम ने ठीक बताया। मैं सच सोचता है सर लोग पुनीत सर 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 का मतलब पता है क्या? सरदार जी का छोटा है। सर आप यहाँ खाने में बताओ। मुर्गा पिज्जा, इसने बोला पिज्जा। आदि भाई क्या आ रहा है खाने में? आदि क्या आ रहा है? पिज्जा पिज्जा। चलो
पुनीत सर का केक कट चुका है गाइस, मैं और मोहित भाई आ गए हैं अब खाने। yes. क्या देखते हैं अब क्या है, पर वो सब भी आ रहे हैं। और फिर हेलो राघव, राघव राघव देखो वो आ गया लेकिन मिल नहीं रहा है, कब मिलना शुरू होगा, लिख तो दिया मालिक की तरफ अच्छा लग रहा था फोल्डर में। हां अच्छा तो गाइज़ जैसा कि अभी पिज़्ज़ा में वेट था, यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी और राजमा राइस और यहाँ पर रोटियाँ गरम गरम, सैलेड और रायता। तो सबसे पहले हमने लंच किया पूरी टीम ने बैठकर एक साथ। कटहल मुझे भी लेना नंदिनी। पिज़्ज़ा आ चुके हैं और सबसे पहले कौन बैठा है यहाँ, इधर दिखा देता हूँ नंदिनी। नंदिनी कितने खाओगी? पूरी दुकान खोल के डोमिनोज हो गया यहाँ पे आपके। डोमिनोज डाइटिंग वाले बोल रहे हैं। कौन कर रहा है डाइटिंग? आप डाइटिंग में हो ना? मैंने आज खाना नहीं खाया। हमारे तो ले वो सर कर रहे हैं ना डाइटिंग। डाइटिंग डिलीवरी बॉय मैं अपना पिज्जा स्किप कर रहा हूँ मैं अपना पिज्जा। किसको चाहिए मेरा पिज्जा? नाक में कौन हो रहा छुप के? गाइस पिज्जा बट रहे हैं, क्रिएट कर बहुत मेहनत करते हैं सर। दिल बहुत बड़ा यार, दो ले सकते हैं भाई। एक इधर दिल फालतू दिया, मतलब विष्णु जी की कृपा पूरी है। सारी टीम को बट गया उधर पिज्जा फ्लेवर यार, वो तो सेम है। अरे उधर मैं सेम है क्या? अब कोक भी आ गई है, ठीक है अब ज्यादा शोर मत मचाना। कोको कोला दो। क्या है हर्ष तेरा? हर्ष क्या है? भटूरा आया भाई, भटूरा खुल नहीं रहा देखना। जैसे कभी खाया ना हो ऐसे कर दो तुम लोग तो। ये तो सच में ही ये भटूरा तो दे रहा है। अरे भटूरा ब्लॉग बन गया अब तो, मैम भी आ गई ब्लॉग में। मैं बात पिज्जा खा के कैसा लगा आपको? अनुराग सर खाया ही नहीं। आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। हमने खाया ही नहीं। खाया नहीं? आपको टीम का बंदा बोल रहा था क्योंकि वो पैसे की बात आ गई ना, इसलिए हमने खाया नहीं। अभी इतने पैसे क्यों खर्च कर सर दिया? आपने नहीं खाया लेकिन आप ही की टीम का बंदा बता रहा है यहाँ पे कि आपने खाया है। मैम बता रही है एक स्लाइस खाया ना, तो फिर झूठ क्यों? मैंने खट्टी टॉफी खाई है। फिर झूठ क्यों बोल रहे हो सर? ये देखो हर्ष जैसे ये हाथ में, मैम जैसे हाथ में पट्टी बांध के घूम रहा है। देखा तुम्हारे कहने का मतलब क्या? दिखावा कर रहा है ये? हाँ देख लो तुम्हारा भाई आ रहा है। हिंट दे रहे हो, कौन रह गया? आजा आजा आजा। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।